एवरीवन, फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसे आप अपने फ़ोन के स्टोरेज में या तो फिर अपने एसडी कार्ड में या तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किस प्रकार से स्टोरेज करके आप उसे रखेंगे, किस प्रकार से सेव करके रखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर है। इस नंबर को मैं आपको बताऊँगा एक अपने फ़ोन के स्टोरेज में किस प्रकार से सेव किया जाता है। जैसे दोस्तों, मैं आपको एक सेव करके रखा हूँ, सबसे पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूँगा। सबसे पहले मैं फाइल मैनेजर पर जाता हूँ, स्टोरेज पर जाता हूँ। स्टोरेज पर जाने के बाद यहाँ पर मैं नाम से ही सर्च कर लेता हूँ, ऑल कॉन्टैक्ट, मेरा नाम जो मैंने सेव किया था, ऑल कॉन्टैक्ट लिखने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फाइल नज़र आता होगा 1.7 MB का। टोटल इसमें कॉन्टैक्ट, जितना मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट है, 1000+ कॉन्टैक्ट है, वो सभी के सभी एक 1.7 MB में ही यहाँ पे स्टोरेज हो चुका है। अब दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप अपना एक फाइल बना लेते हैं, फाइल बनाने के बाद जब भी आपको मन करे इसे दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना, तो इस फाइल को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र जब कर देने के बाद उस फाइल में जब डाउनलोड कर लेंगे या तो फिर उसे अपने फाइल में सेव कर लेंगे, उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, उस फ़ोन में जाकर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक के बाद जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्ट नज़र आएगा। जब इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल, जितना भी इसमें कॉन्टैक्ट है, सभी उस फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इजी वे में वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये फ़ायदा हुआ दोस्तों। दूसरा और फ़ायदा क्या हुआ, इसे आप लाइफ टाइम तक अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। एक फाइल बनाकर अपने फ़ोन में या तो फ़ोन का स्टोरेज में या तो फिर एक एसडी कार्ड में, मेमोरी में, जिसमें भी रखना चाहते हैं, आप इजी वे में रख सकते हैं। जब भी आपका फ़ोन चोरी होगा, गुम होगा या कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, इसे इजी वे में रिकवर कर पाएंगे। सिंपल से आपको इस फाइल को ओपन करना है, फाइल पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसे कॉन्टैक्ट पर सेलेक्ट करना है और यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पर जितना क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपके फाइल में, फ़ोन नंबर में, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो आपका फ़ोन चोरी हो या कुछ भी हो तो उसमें आपके कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप जानते हैं कि हमारे लिए कॉन्टैक्ट कितना ज़रूरी होता है। जब भी कोई कॉन्टैक्ट डिलीट होता है या किसी कारणवश फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट फाइंड करने में कितना परेशानी का सामना करना होगा। तो सबसे पहले आपका फ़ोन चोरी होने से पहले आप ये सब क्या कीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। फ़ोन टूटने से या कुछ भी होने से पहले आप इस प्रकार से फाइल बना लीजिए। तो कैसे बनाया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाएं। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप होगा कॉन्टैक्ट, देख सकते हैं यहाँ कॉन्टैक्ट का लोगो देख सकते हैं, ये है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी कॉन्टैक्ट नज़र आता होगा इस प्रकार से। यहाँ पे कॉर्नर में आपको 3 डॉट या 2 डॉट लाइन नज़र आता है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ काफ़ी सारा ऑप्शन आपको नज़र आता होगा। यहीं पर ऑप्शन में आपको नज़र आपको फाइंड करना होगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे नीचे आ जाना है। सेकेंड नंबर में आपको नज़र आता होगा एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस। आपके फ़ोन में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपके स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाएगा। सिंपल से एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस पर क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप में आपको नज़र आ जाएगा ऑल कॉन्टैक्ट। अगर ऑल कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं तो ऑल कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर व्हाट्सएप बिजनेस का, यहाँ पर व्हाट्सएप का, गूगल का, कोई भी यहाँ पर फ़ोन का या कोई भी ईमेल आईडी में अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसे सेव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, मुझे ऑल कॉन्टैक्ट को सेव करना, तो मैं ऑल कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको फाइल नेम दे देना। चलिए मैं माई कॉन्टैक्ट यहाँ कर देता हूँ। माई कॉन्टैक्ट कर देने के बाद आप सेव पे निशान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट VCF एक फाइल बन जाता है, फाइल बनता है। इस फाइल पे जब क्लिक करेंगे तभी ये एक्सपोर्ट हो पाता है। चलिए मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ से बैक आ जाकर के अपने फाइल मैनेजर में ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन को फाइल मैनेजर पर जाता हूँ, स्टोरेज पर जाता हूँ। स्टोरेज पर जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल से सर्च कर लेता हूँ माई कॉन्टैक्ट के नाम से मैंने फाइल बनाया, तो माई कॉन्टैक्ट देख सकते हैं माई कॉन्टैक्ट के नाम से ये फाइल आ चुका है। इस फाइल को मैं कहीं भी शेयर कर सकता हूँ, देख सकते हैं मैं सेंड पर जाता हूँ। सेंड पर जाने के बाद यहीं इस फाइल को मैं कहीं भी सेंड कर सकता हूँ। अगर गूगल ड्राइव में सेव करके रखना चाहते हैं और इसे सुरक्षित करना चाहते हैं, सिंपल सब गूगल ड्राइव पर क्लिक करें। गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ फाइल बन चुका है। फाइल बन जाने के बाद ईमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी ईमेल आईडी में आपको रखना है सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद एकदम में ये सेव हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव में। जब सेव हो जाएगा तो लैप टाइम तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेव हो रहा है। जब सेव हो जाएगा मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये लैप टाइम तक यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, डबल आप सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए यहाँ से सेव हो चुका है करता हूँ और इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं मैं माई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं ये फिर से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मुझे दोबारा एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने कॉन्टैक्ट को गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इससे मैं आपको बता दूँ, आप अपने फ़ोन के स्टोरेज में भी आपको सेव करने के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, किस प्रकार से आप अपने फ़ोन के स्टोरेज में भी एक फाइल बना करके सेव कर पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, आप अपने कॉन्टैक्ट को
सुरक्षित कर पाएंगे अपने फ़ोन के स्टोरेज में भी, आप इसे कंप्यूटर में भी रख सकते हैं या कोई सभी एसडी कार्ड में रख सकते हैं, या तो साथ ही साथ उसे गूगल ड्राइव पर रख दीजिए तो और भी वो सुरक्षित हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।